आपसे दो सवाल रहेंगे। पहला तो एक प्रश्न कर लीजिए पहले पर, जो आपको उचित लगे, फिर आपके पास दोबारा भी आएंगे। मीठी गोली बीच बीच में लेते रहना चाहिए। सनातन को बहुत से जातियां अपनी छोड़ के जा रही हैं, क्योंकि उनको निम्नता, उस तरफ भी देख सकते हैं। सनातन को छोड़कर बहुत सी जातियां जा रही हैं, क्योंकि उनके अंदर निम्नता का भाव और बहुत सारे ऐसे भाव भर गए हैं, जिससे बहुत सारे लोग सनातन को छोड़ के जा रहे हैं, मतलब दूसरे पंथ में जा रहे हैं। दूसरे पंथ में जा रहे हैं जी। और बहुत सारे लोग सनातन से वापस भी आना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग सनातन को अपनाना भी चाहते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो सनातन को नए सिरे से स्वीकार करते हैं, तो उन लोग करने वाले लोगों को सनातन में क्या गोत्र होगा, और सनातन में क्या गोत्र होगा? अगर वो नए सिरे से सनातन को स्वीकार कर रहे हैं तो उनका गोत्र क्या होगा? क्या आप उनका स्थान क्या होगा? क्या आप अन्य पूर्व ऋषियों के भांति अपने लिए नए उनके लिए नए गोत्र की स्थापना करेंगे, जिससे भविष्य में उनके पुत्र पुत्रियों का विवाह व संस्कार में कोई समस्याओं का सामना न करना पड़े? बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत गजब प्रश्न, और यही हो गया पूरा। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? पहली बात तो आपके इस प्रश्न को हम बहुत हृदय से स्वागत करते हैं कि जो भी सनातन में आना चाहते हैं उनका वेलकम। दूसरी बात, सनातन में आने की आवश्यकता ही नहीं है, जो जहां है वो सनातनी है ये मान ले। तीसरी बात, सनातन व्यापक है, और अगर वो वापस आते हैं तो आपने कहा कि उनकी रोटी बेटी का क्या होगा, शायद आप ये कहना चाहते हैं, अगर कोई सनातन में घर वापसी करता है तो उनकी रोटी बेटी का क्या होगा? पहली बात तो वो जिस समाज से गए हैं उन समाज के लोगों को हम ये कहेंगे कि धोखे से अगर कोई सुबह का भूला शाम को आ जाए, उसका स्वागत वैसे ही करना चाहिए जैसे माँ 10 साल बिछड़े हुए बेटे के मिलने पर स्वागत करती है। उसी प्रकार उस समाज और जाति के लोगों को, फिर भी कहना सरल है, इसको चरित्र पर उतारना बहुत कठिन है, तो उसके लिए बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे। गोत्र तो नहीं बना सकते, क्योंकि गोत्र हमारी ऋषियों की परंपरा की, एक आध्यात्मिक परंपरा की एक बहुत, लेकिन बागेश्वर परिवार बना सकते हैं कि जो घर वापसी करके आएंगे उनको बागेश्वर परिवार की लिस्ट में जोड़ा जाएगा, और वो फिर अपने अनुसार अपनी पद्धतियों का अनुकरण करके अपने जीवन की प्रत्येक जो उनके अनुबंध संबंध रीति रिवाज है उनको वो अपनी जो पूर्व में अपनाते थे वही अपना सकते हैं। एक इसमें और हम आपको बहुत अच्छी बात बता दें जानकारी के लिए, किसी को अपने दादा परदादा के बारे में अगर पता नहीं है तो प्रयागराज जावे, वहां क्या निकलवावे? सिजरा। प्रयागराज में पंडों के पास में 8-8, 10-10, 20-20 पीढ़ी पुराना सिजरा रखा हुआ है, किसी को गोत्र पता ना हो, दादाओं का नाम पता ना हो, बीच में कुछ अलग नाम लिख गया हो, पहले कुछ और था, तो वो लोग अपना सिजरा निकलवा सकते हैं जिसमें उनका पता लग जाएगा कि वो कौन है। और फिर उस जाति में, देखो भारत में सबसे बड़ा कैंसर का जहर है जातिवाद वर्तमान में, इसीलिए हमने ये मंच तैयार किया है कि वर्तमान भारत को अगर समृद्ध बनाना है तो जातिवाद, पहले भी जातियां थी परंतु जातिवाद नहीं था, अब जातिवाद से हटकर हम सब हिंदू एक हों।